हालेलुया। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने नाम से ज़्यादा इन वचनों को महत्व दिया है। और जब वचन का ज्ञान हमारे अंदर रहेगा तो हम प्रभु की आज्ञाओं को पालन कर सकते हैं। हालेलुया। तो आज के मन के लिए हम देखते हैं भजन संहिता पहले अध्याय के उसके पहले और दूसरे पद में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। मैं पियो यहाँ पास प्रभु का वचन हमसे सीधे सीधे कहता है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। यहाँ पर देखें, क्या ही धन्य वह पुरुष दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, यानी कि जो एक व्यक्ति है वो दूसरे के प्रति छल कपट करता है, दूसरे के बिगाड़ने के लिए काम को वो एक प्लान बनाता है, और एक जो सच्चा व्यक्ति है उसको साथ देता है। तो यहाँ पास कहता है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, यानी कि जो बुरे व्यक्ति है उसके कहने पर नहीं चलता है, उसके कहने पर नहीं वो काम करता है, उसके संगति में नहीं रहता है, वह क्या है, वह धन्य है। और यहाँ पास कहता है, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। आप बहुत से ऐसे स्थानों पर देखेंगे जहां लोग चौराहे पर खड़े होकर ठट्ठा करते रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं, और ठेलों पर सिगरेट बीड़ी गुटखा तंबाकू खाते रहते हैं। ऐसे कॉलेज में भी होता है, स्कूल में भी कहीं कहीं होता है। तो इन सारे बातों को हमें ध्यान रखना है कि हम उन व्यक्तियों के साथ संगति ना करें जो वचन के विरुद्ध में है। अगर आप वो ठट्ठा करने वालों के साथ उस मंडली में शामिल हो जाते हैं, हालांकि आप वो कार्य नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप उसके साथ रहकर वहां पास खड़ा है, जो व्यक्ति क्या कर रहा है, पाप कर रहा है, अपने आप को अपवित्र कर रहा है, वो दारू पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, और आप उसके साथ रहकर संगति कर रहे, यानी कि आप उनके साथ अगर खड़े भी रहेंगे तो आप उनके साथ गिने जाएंगे। इसीलिए हमें ऐसे व्यक्तियों से अलग ही रहना है। हालेलुया। और यह कहता है, पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वो क्या है, वह धन्य है। हमें ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना है जो प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। और आप सोचेंगे, मैं तो पीता नहीं हूँ, मैं तो खाता नहीं गुटखा, मैं तो शराब पीता नहीं हूँ, चल उसके साथ चलते हैं, वहाँ पास मैं खड़ा रहूँगा, और ये व्यक्ति जो भी अपना सिगरेट पीना रहेगा, दारू पीना रहेगा, वो कर लेगा। तो यहाँ पास क्या कहता है, धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, यानी कि जो व्यक्ति दारू बीड़ी सिगरेट पी रहा है, आपको वहां उसके पास खड़े भी नहीं होना है, उसके संगति के पास, यानी कि आप उसके साथ जा रहे हैं और खड़े हैं चुपचाप, तो आप क्या है, आप उनके साथ गिने जाएंगे। इसलिए हमें उसके संगति से दूर ही रहना है। और यह कहता है, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। आप उनके साथ रहेंगे तो आप भी उन्हीं की तरह बन जाएंगे, आप भी उनके संगति में शामिल हो जाएंगे। हालेलुया। और दूसरे पद में कहता, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है। हमें किसके साथ संगति करना है, हमें क्या करना है, यहाँ कहता परंतु वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। वह किससे प्रसन्न रहता है, वह व्यवस्था यानी कि प्रभु के वचनों के द्वारा वो प्रसन्न होता है, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है। हमें इधर उधर नहीं कुछ काम करना है, प्रभु के वचनों पे हमें चलना है। हमें ठट्ठा करने वालों को मंडलियों के साथ हमें इकट्ठा नहीं होना है, ना हमें उनके साथ घूमना है, ना हमें फिरना है, वो चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे कहीं भी, चाहे आपके गली मोहल्ले के ही क्यों ना लोग हो, उनके साथ आपको उनके संगति नहीं करना है। अगर वो प्रभु के विरुद्ध में कुछ कार्य करते तो आपके उनके संग नहीं रहना है। हालेलुया। और यहाँ वचन कहता, वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है।
हालेलुया। जब हम पापियों के साथ उसके मार्ग में खड़े रहते हैं, उनके साथ चलते हैं फिरते हैं मेरे पियो, तो प्रभु का जो मन है वो दुख हो जाते हैं, वो शोकित हो जाते हैं। और बाइबल कहती है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हालेलुया। मेरे पियो जो वो पाप कर रहे हैं हमें उनसे दूर रहना है, बल्कि उनको वचनों को सुनाकर वचनों के माध्यम से हमें उनको भी हमें प्रभु की राह पर लाना है, ना कि आप उसके साथ रहकर आप उनके पापियों में सम्मिलित हो जाए। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है दूसरे पत्रस तीसरे अध्याय के तीसरे पद में लिखा है, अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वालों आएंगे तो वह अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। बाइबल हमें क्या कहती है मेरे पियो, कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले बहुत से आएंगे और वह अपने ही अभिलाषाओं से काम करेंगे, अपनी मर्जी से काम करेंगे। ऐसे लोग आपको भरमाएंगे और आपको भी अपवित्र करेंगे और आप भी उनके साथ सम्मिलित हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें उनसे दूरी बनाकर रखना है और हमें उनके संगति में नहीं रहना है। समय मिलने पर हमें उनको प्रभु के वचनों के माध्यम से हमें उनको प्रभु के वचनों की तरफ हमें लाना है। हालेलुया। इफिसियों 4 के 29 पद में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि सुनने वाले पर अनुग्रह हो। आप चार लोगों के बीच में बैठे हुए हैं और आपके मुंह से वहां ऐसी कोई भी बातें नहीं निकलनी चाहिए मेरे पियो। यहां कहता है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। आप उस मंडली में शामिल हो गए तो आप भी उनके साथ, ये नहीं कि आप भी मिल जाए, जो वो कर रहे हैं आप भी वो करें, नहीं, हमें वो नहीं करना है। हमें अपने मुंह से कोई भी बातें जो परमेश्वर के विरुद्ध में है हमें अपने मुंह से नहीं निकालना है। यहाँ बाइबल बताती है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि सुनने वाले उसमें सम्मिलित है, वो भी अपने आप को पवित्र अपवित्र कर रहा, अपने आप को पापी कर रहा हो, अपने आप को पाप के मार्ग में ले जा रहा है। तो हमें उनसे दूर रहना है। पिछले दिनों में एक वीडियो बनाया था कि सिगरेट दारू बीड़ी गुटखा खाने वालों को क्या हर्ष होगा, नहीं देखे तो जाकर देखिए। ऐसे लोगों को नरक की ताड़ना दी जाएगी, वहाँ पास उनको रोना और पीड़ा ही पीड़ा वहाँ पास उनके लिए है। अगर हम पृथ्वी पर रहते समय दुख दर्द कुछ भी होता है, हमारे शरीर में दर्द होता है, कुछ भी होता है, तो हम दवाई खाकर हम क्या करते हैं, अपने आप को स्वस्थ कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पास आपको ये सब कुछ भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो हम अपने आप को मेरे पियो पवित्र रखें और हमें हमेशा प्रभु के वचनों पर चलना है। चाहे जहाँ भी रहें, चाहे जो भी करें, हम प्रभु की महिमा के लिए करें। हालेलुया। हम जो काम भी करें हम प्रभु की महिमा करें, उसमें प्रभु की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। चाहे आप घर के में गली मोहल्ले हो, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप कहीं भी हो, हमें ऐसे लोगों के मंडली से हमें दूर रहना है जो क्या करते हैं, ठट्ठा करते हैं, वो दारू पीते सिगरेट पीते हैं और पाप करते हैं। ऐसे व्यक्तियों से हमें दूर रहना और अपने आप को हमें पवित्रता के साथ जीवन बिताकर हमें आगे बढ़ना है। हमें प्रभु के वचनों पर हमें बने रहना है। हालेलुया। हमारे अंदर मेरे पियो, अब बहुत से लोग क्या सोचते हैं, घर में दारू पीने को नहीं मिलता, सिगरेट पीने को नहीं मिलता है तो बाहर जाके पी लेते हैं, वो कहीं और जाके दारू सिगरेट पी लेंगे। आप अपने घर वालों से छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से आप कोई भी बात नहीं छुपा सकते। हालेलुया। क्रिश्चियन लोग, मसीह लोग, विश्वासी लोग, ऐसे बहुत से लोग हैं जो दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और गुटखा भी खाते हैं। ऐसे लोग अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो आज ही प्रभु के उपस्थिति में बैठकर अपने पापों की क्षमा उससे मांग लिए, क्योंकि आप अपने आप को अपवित्र नहीं करें बल्कि आप अपने परमेश्वर को अपवित्र करें, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमेश्वर का आत्मा है मेरे पियो, और हर एक बातें वो जानता है। हम अपने एक दूसरे से बातें छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से हम कोई बात नहीं छिपा सकते हैं। इसलिए हमें पवित्रता के साथ जीवन बिताते हुए प्रभु के वचनों पर चलना है, प्रभु की आज्ञाओं का हमें पालन करना है और उसके वचनों को हमें पकड़े रहना है। हालेलुया।
जो भी करें हम प्रभु की महिमा के लिए करें। यहाँ पास कहता है मेरे पियो, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। नीति वचन 10 के 19 पद में लिखा है, जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि का काम करता है। हालेलुया। मैं पियो, हमें प्रभु के वचनों पे चलना है, हमें प्रभु की आज्ञाओं को पालन करते हुए आगे हमें बढ़ना है। प्रभु हमें उसमें आशीष देगा, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सामर्थ्य प्रदान करेगा, केवल हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए। हालेलुया। इस वचन की सभा को उस बजेगा सिर कीजिए, ताकि और लोग, हालेलुया, इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना की ओर जाते हैं। पिता परमेश्वर, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, ये जो वचन सुने हैं पिता परमेश्वर, वचन पर चलने वाले हो खुदावन। हाँ प्रभु जी, वचन पिता परमेश्वर के जीवन में 100 गुना फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर। ये पापियों के संग पिता परमेश्वर मंडली बैठने वाले नहीं, बल्कि तेरे व्यवस्था पे चलने वाले हो जाए पिता। ये जो पिता बोलते हैं पिता, दूसरे पर अनुग्रह उतरने पाए खुदावन, यही प्रार्थना करते हैं। इन सबको पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान कर पिता परमेश्वर। ये जहां भी जाते हैं पिता, पवित्र आत्मा की संगति के संग प्रभु जी, कोई बात पिता परमेश्वर के मुंह से ऐसी कोई गंदी बात ना निकले जो तेरे विरुद्ध में है खुदावन, और जो इनको अपवित्र करे पिता। इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो वचन सुने हैं पिता, इन पे वचनों पे चलने वाले हो जाए पिता, ये वचन को हृदय में बसाने वाले हो जाए पिता परमेश्वर, यही प्रार्थना करते। इन सबको हम तेरे नाम से आशीष की घोषणा करते, प्रार्थना सुमा धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी, आशीष मांगते सुंदया से ग्रहण कर, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। इस वचन की सभा को सभी जगह शेयर कीजिए, ताकि और लोग मसीह यीशु को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके अंत जीवन का सहभागी बन जाए। गॉड ब्लेस यू।